हाय फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल HVAC इलेक्ट्रिकल एंड फायर टेक। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्टर। अगर आपका इन्वर्टर है जो आपका रेड इंडिकेशन दिखाता हो या बैटरी लो दिखाता हो, तो उसे हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपका इन्वर्टर की बैटरी है जो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपका इन्वर्टर है वो बार बार में बैटरी लो का इंडिकेशन दिखाता है, तो आइए हम इसके ऊपर जो है चर्चा करते हुए साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम उसे जो है किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, चलते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड, अगर आप जैसा देख रहे हैं, इन्वर्टर की बैटरी का टर्मिनल इस तरह से होगा और दूसरा टर्मिनल है जो साफ है, और आपका जो इन्वर्टर है जो इस तरह से बैटरी लो दिखा रहा है, तो इसका जो भी होगा, अभी हम इसका टर्मिनल है जो, इसको बिल्कुल साफ करके वापस फिट करेंगे, जिससे कि जो है ये बैटरी बिल्कुल सही काम करने लगेगी। आइए हम करते हैं इसे। इस पेच को खोलने के बाद में जैसा आप देख रहे हैं, ये जो कार्बन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आया हुआ है, इसे हमने साफ करना है। जैसा आप देख रहे हैं, वायर से हमने जो है इसका कार्बन हटा दिया है। अब इस टर्मिनल से हमने जो है कार्बन को हटाना है। अब इस टर्मिनल को जो है हमने रेगमार से बिल्कुल साफ करना है। तो फ्रेंड, जैसे आप देख रहे हैं, हमने इनको रेगमार से इस तरह से घिसा कर बिल्कुल साफ कर लेना है। तो फ्रेंड, जैसा आप देख रहे हैं, टर्मिनल बिल्कुल साफ हो गया है, हमने इसे रेगमार से साफ कर दिया। अब हम जो है इसके ऊपर वायर्स को फिर से कनेक्ट करके लगाकर चेक करते हैं और इसे फिक्स करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि टर्मिनल फिक्स करने के बाद में हम जो है चेक करते हैं, हमारा इन्वर्टर जो है बिल्कुल वर्किंग कंडीशन पे है, जो भी दिखा रहा था बैटरी लो। अब देखिए कि UPS के ऊपर ये जो इन्वर्टर है वो वर्किंग कर रहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।